तो दोस्तों कुंड में नहाने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं माँ चंडी के मंदिर, जो यहाँ लास्ट टाइम पड़ता है कुंड आते समय। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। ये रहा दोस्तों मंदिर, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये रास्ता जाने के लिए यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं माँ तारा चंडी मंदिर के अंदर चढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली ब्लॉग में कहा था कि मैं यहाँ मंदिर आऊँगा, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो ब्लॉग नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए और सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहिए। मैं भी आपको लेकर चल रहा हूँ अंदर दर्शन करने के। चलिए आपको दर्शन कराते हैं अंदर। पहले एक मंदिर है उसके अंदर करा देता हूँ। देखिए पहला मंदिर जहाँ पे मैं आपको दर्शन करने के लिए आया हूँ, इसके बाद हम लोग जाएंगे मेन मंदिर। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के मेन मंदिर की ओर, जिसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखिए आ गए हैं मेन मंदिर में, माँ चंडी के मंदिर में। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ का नजारा देखिए दोस्तों। अब हम चल रहे हैं मंदिर के ऊपर, सीरियस जाते हैं मंदिर के ऊपर। ये एकदम व्हाइट मार्बल से बिछा हुआ मंदिर बहुत खूबसूरत लगा था वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ पे आप आइए, दर्शन जरूर कीजिए। ये सासाराम में है, बिहार के अंदर सासाराम, जो वहाँ पे वाटरफॉल के रास्ता ही दिख जाता है, मांझर वाटरफॉल के रास्ता ही में। आप यहाँ पे आइए, दर्शन जरूर कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आ चुके हैं, पंडित जी भी यहाँ पे है। थोड़ा चंदन टीका लगवाएंगे, उसका फिर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे दर्शन पूरा हो चुका है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा, जो काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पे आप लोग एक बार जरूर आइए, जो यहाँ पे दर्शन कीजिए। तो दोस्तों तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा गोल चक्कर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सीढ़ियों से उतरूँगा और मैं जाऊँगा नीचे, जहाँ से मैं यहाँ मंदिर से बाहर जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगले ब्लॉग में मिलेंगे शेरशाह स्वीट पार्क में। टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें।